गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी क्या हाल चाल सभी के अमित अखिलेश देविका संकित यतिन त्रिलोक विभा तृप्ति दक्ष नुपुर नमन निशांत ऋषभ आस्था कृष्णा साहिल टोनी विशाल तनुजा सबको गुड मॉर्निंग हाँ जी ऑडियो वीडियो बताइए सब ओके है जो भी कनेक्टेड है जल्दी से एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दो ताकि मुझे ये भी पता चल सके कि हां मेरा आपसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है और आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है और आपकी आवाज मैसेज के माध्यम से मेरे तक पहुंचा दीजिए ताकि हम क्लास शुरू करें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी जो एल्डाइन की स्ट्रीम पर क्लास देख रहे हैं प्लस जो अराइड की स्ट्रीम पर क्लास देख रहे हैं प्लस जो यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं गंभीर पूजा गुड मॉर्निंग चलिए फिर करें जी शुभारंभ सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर फाइव ऑडिटिंग एंड एथिक्स लेक्चर नंबर वन मे ट्वेंटी फोर बैच फॉर सितंबर ट्वेंटी फोर एंड जनवरी ट्वेंटी फाइव एग्जाम्स के लिए हो तैयार जी सर तो चलिए शुरू करते हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ग्रुप्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे होंगे और ग्रुप वन की क्लासेस भी साथ साथ चल रही होंगी और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ग्रुप वन के एग्जाम देकर आए हैं अभी खत्म हुए हैं और ग्रुप टू की तैयारी कर रहे हैं फोर सितंबर ट्वेंटी फोर ऐसा ही है सो so, अब हमें दो एग्जाम्स को कैटर करना है एक सितंबर 24 एग्जाम और दूसरा है जनवरी 25 एग्जाम मई और नवंबर वो तो अब तीन में स्प्लिट हो गए मई सितंबर एंड जनवरी तो आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बात करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें कवर अप करनी है कैसे हमारी क्लासेस रन होंगी कौन सी बुक्स आपको अवेलेबल होगी और ये सब्जेक्ट कैसे बाकी दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है और बाकी सारे सब्जेक्ट के ऊपर अपनी एक एज रखता है और फिर कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हम तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स की या ये कहिए इस प्रोफेशन की आपने जिस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है इसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स फाउंडेशन इंटर फाइनल की तीन स्टेज से होते हुए आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स की जर्नी से गुजरते हैं इंटरमीडिएट स्टेज पर आप ऑडिट का पेपर पढ़ रहे हैं फाइनल की स्टेज पर भी आप ऑडिट का पेपर पढ़ेंगे एंड इस पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है उसकी बात कर लेते हैं आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द वर्किंग एरिया वो क्या रहने वाला है दैट इज ऑडिट यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सीए की प्रैक्टिस में गए तो तो सबसे ज्यादा टाइम आपका लगना ही किस पर है ऑडिट के ऊपर चाहे वो स्टेट्यूटरी ऑडिट है टैक्स ऑडिट है इंटरनल ऑडिट है रेवेन्यू ऑडिट है बैंक ऑडिट है कॉन्क्रेंट ऑडिट है दुनिया जहां की ऑडिट है और यदि आप प्रैक्टिस प्रेफर ना करके सर्विस ज्वाइन करते हैं देन आल्सो काफी एरियाज ऐसे हैं जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट के अंदर ही एंगेज होते हैं जैसे इंटरनल ऑडिट के अंदर सिस्टम ऑडिट में रेवेन्यू ऑडिट के अंदर सो so, एक सेकेंड तो ऑडिट वो सब्जेक्ट है जो आपके प्रोफेशन का चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन का कोर एरिया है तो आज आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं वो आगे चलकर आपका सबसे मेन एरिया बनेगा प्रैक्टिस का सर्विस का आपके पूरी लाइफ में ये सब्जेक्ट आपके साथ चलेगा तो इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त भी इन बातों का ध्यान रखिएगा कि यह सब्जेक्ट आपका प्रोफेशन बनेगा आने वाले समय में दो तीन सालों के बाद आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इस सब्जेक्ट के साथ कोई ना इंसाफी नहीं इस सब्जेक्ट की नॉलेज इस सब्जेक्ट के ऊपर आपका दिया गया टाइम आपको आने वाले समय में अर्निंग का एक बड़ा मेजर सोर्स प्रोवाइड करने वाला है और अर्निंग किसको नहीं पसंद सबको पसंद है तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस सब्जेक्ट को स्टडी करना है एक तो बात हुई कि ऑडिट क्यों इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारा कोर्स मोस्ट ऑफ टाइम ऑडिट के एस्पेक्ट को ही डील करता है दूसरा इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है यह सब्जेक्ट अपने आप में बाकी सारे सब्जेक्ट की एक एप्लीकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचकर देखिए क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहेंगे? अकाउंट in या आप अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके उन बुक्स ऑफ अकाउंट को फिनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना चाहेंगे उनमें इरेगुलरिटीज को फाइंड आउट करना चाहेंगे कोर्स आप एक सिंपल अकाउंटेंट नहीं है यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप नॉर्मल अकाउंटिंग में नहीं होंगे आप अकाउंटिंग के के हाईएस्ट लेवल ऊपर अपने आप को रखना पसंद करेंगे और अकाउंटिंग का हाईएस्ट लेवल क्या है कि बड़े हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर कॉम्प्लेक्स मैटर के अंदर तो आप अकाउंटिंग एडवाइस देंगे बट उसके साथ साथ नॉर्मल अकाउंटिंग जो नॉर्मल अकाउंटेंट ने किया उसकी एग्जामिनेशन जो ऑडिट के थ्रू होती है ऑडिट इज फाइनेंशियल रिकॉर्ड अदर डेटा इंफॉर्मेशन सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ऑडिट के अंदर अपना बहुत समय व्यतीत करेंगे आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इसलिए इस सब्जेक्ट की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ये बाकी सारे सब्जेक्ट की चाहे वो अकाउंट है चाहे वो लॉ है चाहे वो टैक्सेशन है उन सारे सब्जेक्ट की एक एप्लीकेशन को इन्वॉल्व करता है क्या अकाउंट्स एप्रोप्रिएटली बनाए गए हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है क्या वो कंसिस्टेंटली फॉलो की गई हैं क्या लॉ की कंप्लायंसेस हुई है क्या टैक्स की कंप्यूटेशंस ठीक हैं क्या टैक्स की जो कंप्लायसिस रिक्वायर्ड है इधर अंडर द प्रोविजन लॉ क्या वो क्लाइंट ने सही की है या नहीं की क्लाइंट को टैक्स मैटर्स में रिप्रेजेंट आप करेंगे तो जब ये ऑडिट की बात आती है तो अकाउंट लॉ टैक्सेशन फाइनेंस इन सब की एप्लीकेशन ऑडिट के अंदर आ जाती है सो so, ऑडिट एज ए सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो ये एप्लीकेशन है बाकी सारे सब्जेक्ट्स की अकाउंट लॉ टैक्स फाइनेंस सबको अप्लाई किया जाता है ऑडिट के और जब इतना मेजर सब्जेक्ट है ये तो क्या इस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं क्या उनसे एथिकल कंडक्ट की एक्सपेक्टेशन की जाएगी या नहीं की जाएगी बोलिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रैक्टिस क्या पब्लिक गवर्नमेंट क्लाइंट स्टेक होल्डर ये सब आपसे एक एथिकल कंडक्ट एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं बताइए जी हां या ना इतना तो जवाब दे ही सकते हो सिर्फ हां या ना जी विभा नुपुर जवाब है यस तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के जिनका कंप्लायंस हमें करना चाहिए और क्या थ्रेट्स हमारे सामने आ सकते हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो इसीलिए पहले इस सब्जेक्ट का नाम होता था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस न्यू कोर्स के अंदर इसका नाम बदला गया और नाम दिया गया ऑडिटिंग एंड एथिक्स ऑडिटिंग एंड एथिक्स तो अब जब हम इस सब्जेक्ट की बात करेंगे ऑडिटिंग एंड एथिक्स तो हमारा फोकस दो एस्पेक्ट पर है दोनों ही वर्ड में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक वर्ड ऑडिट का और दूसरा वर्ड एथिक्स का तो ये तो एक सब्जेक्ट की बहुत शॉर्ट बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी है ऑडिट एंड एथिक्स की नाउ अब मैं आपके साथ कुछ और चीजें शेयर कर रहा हूं इसकी नंबर एक हम बात करते हैं बुक्स की अब थोड़ा अकेडमिक्स पर आ जाते हैं और अकेडमिक्स में मैं सबसे पहले आपके साथ बात कर रहा हूं बुक्स की जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजिंग एरिया रहता है कि सर हमें कहां से पढ़ना है कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है नंबर एक आपके पास आईसीएआई का एक स्टडी मटेरियल है तो जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है वो स्टडी मटेरियल है चैप्टर नंबर वन जिसके अंदर हर एक चैप्टर की बिगनिंग में एक लर्निंग आउटकम दिया जाता है कि इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप किन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे देयर आफ्टर चैप्टर का ओवरव्यू चैप्टर में कौन कौन से कवर अप किए गए हैं और फिर एक एक टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन origin of auditing meaning and nature of auditing interdisciplinary nature to is tarah se ye topics ab aapko milte chalenge kafi sare topics ke sath institute ne study material ke andar आपको कुछ examples भी दिए हैं कुछ illustrations दी हैं जैसे बीच बीच में ही कुछ questions दिए गए हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू थ्री मैं एक चैप्टर आपको दिखा रहा हूं स्टडी मटेरियल से कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल को तैयार किया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट ऑडिट मैंडेटरी और नॉट फिर एक केस स्टडी भी दी गई है बीच में केस स्टडी के बेस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से एक चैप्टर को कंप्लीट किया अभी चल रहा है चैप्टर बीच में ही केस स्टडी थी ये मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट तो इस तरह से सारे टॉपिक उन्होंने दिए फिर केस स्टडी भी दी बीच बीच में एंड फिर चैप्टर के एंड में एक समरी दे रहे हैं और लास्ट में फिर टेस्ट योर नॉलेज बीच में क्वेश्चन दिए हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के नाम से फिर क्वेश्चन दिए हैं टेस्ट योर नॉलेज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेक्ट इन करेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन फिर जाकर इंस्टीट्यूट इस चैप्टर को कर देता है फिनिश तो ये तो है एक आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जो आप सब लोगों के पास अवेलेबल है नंबर दो हम आपको जो बुक्स प्रोवाइड करेंगे वो दो बुक्स होंगे एक मेन बुक मेन बुक को हमने तैयार किया है आईसीए के टॉपिक्स की सीक्वेंस में बट जो डिफरेंस है वो क्या है आई का स्टडी मटेरियल वास्ट है और फॉर्म के अंदर अपने कंटेंट को दे रहा है बीच में ही क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं एंड आईसीए के स्टडी मटेरियल में आरटीपी के क्वेश्चंस की एम के क्वेश्चंस की पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस की बहुत लिमिटेड कवरेज है हम आपको जो दो बुक अवेलेबल कराएंगे एक बुक कॉन्सेप्ट बुक जिसके अंदर कंटेंट तो वही है आईसीए स्टडी मटेरियल वाला लेकिन उसको टेबुलर फॉर्म में अरेन्ज किया गया है पॉइंट वाइज कवरेज की गई है सो so दैट लर्निंग आपके लिए इजी रह सके सीक्वेंस वही चल रही है और जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा लेंथी दिए गए हैं बहुत बड़े बड़े पैरा दिए गए हैं बट एग्जाम में उनमें से तीन नंबर का क्वेश्चन बनता है उनके क्रक्स को मेन पॉइंट को निकालकर समराइज करके यहां पर दिया गया है सो so दैट आप चीजों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके लर्न कर सके So, एक बुक तो आपको यह मिलेगी जो टेबुलर फॉर्म के अंदर आईसीए के स्टडी मटेरियल के कंटेंट को सिंप्लीफाइड पॉइंट फॉर्म्स के अंदर कवरअप किया गया है और कुछ जगह पर आपको इस बुक में पॉइंट्स टू रिमेंबर मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट किया गया होगा तो इस तरह से एक बुक ये मिलेगी दूसरी बुक जो आपको मिलेगी वो है एक क्वेश्चन में आईसीएआई के स्टडी मटेरियल ने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट योर नॉलेज एंड इलस्ट्रेशन तीन टाइप से क्वेश्चन को कवर किया हुआ है और जो टेस्ट योर नॉलेज है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है पूरे चैप्टर के कंसोलिडेटेड क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है बट अब जो क्वेश्चन बैंक हम आपको अवेलेबल कराएंगे नंबर एक उसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे आईसीएआई के टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट योर नॉलेज वो सारे क्वेश्चन कवर हैं इसके अंदर प्लस आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर रिवीजन टेस्ट पेपर एंड पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन वो भी सब इसके अंदर कवर सो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आगे कुछ भी नहीं लिखा गया यहां पर इसका मतलब ये आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में या एमटीपी में आरटीपी में नहीं आया तो ये या तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होगा या फिर ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन होगा जो एग्जाम के या आर के एम के क्वेश्चन है उनके आगे मॉक टेस्ट पेपर रिवीजन टेस्ट पेपर, इस तरह से आपको डेस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है एग्जाम के क्वेश्चन के साथ आपको मार्क्स भी मिलेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और कितने नंबर का पूछा गया है क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है मींस पास्ट से बढ़ते हुए करंट पर आ रहे हैं पहले 2018 के क्वेश्चन फिर 19 के फिर 20 के 21 के 22 के फिर 2023 के उसके बाद 2024 के क्वेश्चन तो इस तरह से पहले एक टॉपिक चलेगा पूरा फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा फिर तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा इस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में कवर किए गए हैं, right, राइट एक तो चीज हो गई नंबर दो पर आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है पार्ट वन जो इंडिविजुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सिंगल क्वेश्चंस आफ्टर केस स्टडी आईसीएआई की स्टडी मटेरियल की केस स्टडी प्लस आर की प्लस एम की सारी केस स्टडी को कवर किया गया है केस स्टडी वन केस स्टडी टू फिर ये चैप्टर अभी एक और है केस स्टडी थ्री केस स्टडी थ्री सितंबर 23 के मॉक टेस्ट पेपर की है आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं है सो so, जितने भी क्वेश्चंस चाहे वो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है या वो एमसीक्यूज़ हैं या वो केस स्टडीज हैं आज तक की सभी क्वेश्चंस को हमने कवर करने की कोशिश की है बुक्स में बट होता क्या है कि बुक एक बार प्रिंट हो गई तो उसके बाद नए मॉक टेस्ट पेपर आ जाते हैं नया पेपर एग्जाम आ जाता है अब मई के साथ सितंबर में भी पेपर होगा फिर जनवरी में पेपर होगा तो एवरी टाइम हर अटेम्प्ट के बाद बुक को निकालना पॉसिबल नहीं होता पब्लिश करना पॉसिबल नहीं होगा लेकिन इतना हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे उनकी भी एक कंपाइलेशन बनाकर इसी तरह से वाइज टॉपिक वाइज आपके साथ उसकी पीडीएफ शेयर की जाएगी सो so जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उनको कवरअप कर अब जैसे सबसे latest क्या है हमारे पास बताओगे सबसे लेटेस्ट क्या है जो पेपर देकर आए हैं वो तो बता ही सकते हो सबसे लेटेस्ट जी, संकित विभा गंभीर पूजा संचित शौर्य निशांत नमन सबसे लेटेस्ट जो पेपर देकर आए हो वो तो बता दो ग्रुप वन के पेपर देकर आए होंगे सबसे लेटेस्ट है मई 2024 का पेपर कब हुआ था 15 मई को ये लीजिए 15 मई 2024 का क्वेश्चन पेपर किस तरह से क्वेश्चन आए हैं नए कोर्स का पहला पेपर है ये क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी फोर आउट ऑफ रिमेनिंग फाइव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन चार पार्ट में डिवाइड है दो पार्ट फोर फोर मार्क्स के हैं और दो पार्ट थ्री थ्री मार्क्स के हैं तो इन टोटल एक क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स का है एक कंपलसरी चार और आपको करने हैं टोटल सेवेंटी मार्क्स थर्टी मार्क्स के एमसीक्यू आए हैं एमसीक्यू केस स्टडीज आई हैं तीन दस दस नंबर की टेन मार्क्स ईच केस स्टडीज और हर एक केस स्टडी के अंदर दो दो नंबर के पांच पांच क्वेश्चन थे तो इन टोटल पंद्रह हैं पहले क्या होता था कुछ करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी आते थे और इंडिविजुअल एमसीक्यू भी पूछे जाते थे बट अब करेक्ट इनकरेक्ट भी नहीं पूछे गए और इंडिविजुअल एमसीक्यू भी नहीं पूछे गए हैं मे 24 के एग्जाम में तो मे 24 के एग्जाम में जो चीजें पूछी गई है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लस केस स्टडीज पूछी गई तो ये हो गया आपका एक पेपर पैटर्न तो इसका भी हमने सुजेस्टेड आंसर रेडी कर दिया है और वो सुजेस्टेड आंसर हम आपके साथ शेयर भी करेंगे लेटर ऑन आंसर यदि मैं आपको दिखाऊं उसका ये रहा मे ट्वेंटी फोर का सुजेस्टेड आंसर है जो फिफ्टींथ ऑफ मे को पेपर हुआ है क्वेश्चन वन फोर मार्क्स क्वेश्चन वन का बी पार्ट फोर मार्क्स सी पार्ट डी पार्ट उसके कंप्लीट आंसर्स तो जो भी चीजें बुक के पब्लिश होने के बाद रिलीज होंगी चाहे वो एग्जाम हो आर हो पी हो उनका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जैसे मान लीजिए आप में से कुछ बच्चों का जनवरी 25 में पेपर है और आप कहते हैं कि सर सितंबर 24 का पेपर उसके आंसर कैसे मिलेंगे आर एमटीपीज कैसे मिलेगी तो उसको हम कंपाइल करके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज उसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे हर एग्जाम से पहले ताकि आप उन एडिशनल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सके राइट right? तो ये बात हो गई हमारी बुक्स की तो आपके पास एक तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है नंबर दो पर हमारा कंटेंट होगा जो एक मेन बुक होगी और एक क्वेश्चन बैंक होगा इसके अलावा हम अपनी क्लास में कंसेप्ट की डिटेल्ड नोटिंग करेंगे मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स की कुछ टॉपिक्स बुक से कराऊंगा बट मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स हम क्लास के अंदर नोटिंग को करेंगे तो तीन चार चीजें जो मैं चाहता हूं आपकी नॉलेज में होनी चाहिए नंबर एक बुक्स आपके पास बुक्स के दो सेट हैं नंबर एक आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, उनकी आर उनकी मॉक टेस्ट पेपर्स प्लस पास्ट एग्जाम्स के सुजेस्टेड आंसर्स इन्हीं चीजों को हमने रीअरेंज किया है ऐसे दूसरे सेट की फॉर्म में एक कॉन्सेप्ट बुक और दूसरा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बुक की प्रेजेंटेशन टेबुलर पॉइंट वाइज टॉपिक सो दैट चीजें आराम से अंडरस्टैंड हो सके एंड लर्न हो सके क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टडी मटेरियल आरटीपीज एमटीपीज प्लस सुजेस्टेड सबको तो आपको एक कन्वीनियंस होगी कि आपने कॉन्सेप्ट बुक से एक टॉपिक को स्टडी किया और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन बैंक में से स्टडी मटेरियल में एक एक चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं प्लस आरटीपी अलग करनी पड़ेगी एमटीपी अलग करनी पड़ेगी सुजेस्टिड आंसर को अलग करना पड़ेगा तो बेसिकली जो आईसीएआई का कंटेंट है वो आपके लिए यूज होगा सिर्फ रेफरेंस के लिए इफ रिक्वायर्ड ये भी मैं क्लियर कर देता हूं इफ रिक्वायर्ड अदरवाइज आप पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि ये कंटेंट भी सारा आईसीएआई के कंटेंट को रीअरेंज करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए तैयार किया ठीक है अच्छा समकित हैं कॉपी कितने पेज की बनानी है लगभग ढाई सौ से तीन सौ थ्री हंड्रेड पेजेस के अराउंड आपको एक कॉपी तैयार करनी है अपनी जिसमें लास्ट के 100 पेज टेस्ट के लिए रखेंगे और पहले 200 पेज नोट्स के लिए रखेंगे या दो कॉपी बना लेना एक 200 सौ की और एक 100 पेज की 200 पेज की कॉपी आपकी क्लास नोटिंग्स के लिए 100 पेज की कॉपी आपके टेस्ट के लिए तीसरे नंबर पर जो चीज आएगी वो आएगी आपकी क्लास के नोट्स ये क्लास नोट्स आपको प्रिपेयर करनी है क्लास के साथ साथ टू बी प्रीपेयर विद क्लासेस ऑब्जेक्टिव क्या है रिटर्न प्रैक्टिस जरूरी है रिटर्न प्रैक्टिस पेपर आपका रिटर्न होता है सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है सो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है रिटर्न प्रैक्टिस इन क्लास नोट की PDFs आपको गूगल ड्राइव पर एंड एल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी गूगल ड्राइव पर प्लस एल के ऊपर अवेलेबल होगी एल जिन स्टूडेंट्स ने एल्डाइन की क्लासेस ज्वाइन की हुई है एल्डाइन के एल पर जिन स्टूडेंट ने गूगल ड्राइव या अराइड का लाइव एट होम ज्वाइन किया हुआ है उनको ए क्लासेस की वेबसाइट alt classes की वेबसाइट पर और इन जनरल भी आपको बताता हूं जो हमारी वेबसाइट है altclasses.in आप उसकी वेबसाइट पर अपने यूजर आईडी अपने आप क्रिएट कर सकते हैं यूजर आईडी क्रिएट करके आपको एलएमएस की एक्सेस मिल जाएगी उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको हमारी क्लासेस लेनी ही है ठीक एनी स्टूडेंट कैन हैव एक्सेस ऑफ आर जिसके ऊपर आपको इन क्लास नोट की पी डी एफमेंट मॉक टेस्ट पेपर मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज के प्रैक्टिस बहुत कुछ कंटेंट आपको फ्रीली अवेलेबल है जिसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता सो so, एक तो ये बुक्स है आपकी प्राइमरली आप इसको रेफर करेंगे ये आप क्लास के दौरान तैयार करेंगे आईसीएआई का मटेरियल रेफरेंस के लिए है जहां पर आपको जरूरत महसूस होती है तो राइट right? अब नंबर दो पर आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता होना चाहिए पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर थर्टी मार्क्स थर्टी मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड केस स्टडी बेस्ड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज होंगी कि एक केस दिया जाएगा पूरा बड़ा सारा और उसके नीचे चार या पांच क्वेश्चन होंगे इंडिविजुअल क्वेश्चन के चांसेस काफी कम है दो आपको बुक्स में मिलेंगे आप प्रैक्टिस करिए उनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सेवेंटी मार्क्स के फाइव क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स ईच एंड ईच क्वेश्चन डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स इन विच टू क्वेश्चन विल बी ऑफ फोर मार्क्स इच एंड टू क्वेश्चन विल बी ऑफ थ्री मार्क्स इच इस तरह से पेपर पैटर्न हैेक्ट इन करेक्ट ये क्वेश्चन स्टडी मटीरियल में कवर है बट नोट आस्ड इन एग्जाम जो लेटेस्ट पेपर हुआ है मे 24 का उसमें नहीं पूछे गए बट आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए जब आईसीएआई ने अपने स्टडी मटेरियल में दिए हैं उनमें से एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं यह आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है नंबर तीन शेड्यूल हमारा बैच 18th मई से शुरू हुआ है 6 जुलाई तक चलेगा एटींथ मे से सिक्स जुलाई मंडे टू सैटरडे 10:30 थर्टी ए एम टू वन पी ये लाइव क्लासेस का शेड्यूल है हमारा नंबर ऑफ लाइव क्लासेस विल बी अराउंड ट्वेंटी रिमेनिंग सेशन जो हमारे लाइव शेड्यूल के होंगे उनमें मैं आपके साथ कभी केस स्टडीज डिस्कस करूंगा कभी टेस्ट लूंगा आपके प्लस कभी कुछ रिविजन सेशन होंगे बीच बीच में डिटेल्ड शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूं वो भी तैयार है ये लेक्चर ये प्लान आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं इसको डाल दूंगा जो लेक्चर प्लान है हमारा इंटर ऑडिट में 24 बैच का पार्ट वन लाइव क्लासेस लाइव क्लासेस में चैप्टर नंबर वन की इंट्रोडक्टरी सेशंस चैप्टर सिक्स सेवन एट एंड टेन इन चैप्टर्स की लाइव क्लासेस होंगी अराउंड ट्वेंटी उसमें से कुछ लेक्चर्स के दो दो सेशंस भी हैं जैसे ट्वेंटी ए ट्वेंटी बी नाइनटीन ए नाइनटीन बी एटीन ए एटीन बी एंड बाकी रिमेनिंग क्लासेस आपको मिलेंगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस कौन से बैच की नवंबर ट्वेंटी थ्री बैच की चैप्टर इलेवन टू थ्री फोर फाइव एंड नाइन ये क्लासेस कितनी ड्यूरेशन है एक क्लास की वो भी साथ में मेंशन है इस शेड्यूल में और कितने साइज की है एम में क्योंकि आपके लैपटॉप में एक स्टोरेज का भी थोड़ा सा चैलेंज रहता है कई बार बाकी क्लासेस भी अपलोड कर डाउनलोड करनी होती है स्टोर करनी होती है लैपटॉप में तो हमने इसीलिए स्टोरेज स्पेस भी बता दिया आपको कि एक क्लास का एमबी में साइज क्या होगा और एक लेक्चर का ड्यूरेशन कितना है अब होगा क्या जैसे मैं आपको चैप्टर वन शुरू कराऊंगा नेक्स्ट वीक और आपको साथ ही बता दूंगा कि आपको उस वीक में प्री में प्री रिकॉर्डेड सेशन से ये चैप्टर कवर करना है जब चैप्टर वन कवर होगा चैप्टर इलेवन की रिवीजन क्लास ले लूंगा और उसके बाद चैप्टर वन और इलेवन का टेस्ट कंडक्ट कर दूंगा कोशिश है हमारी कि हम बाई सिक्स ऑफ जुलाई अपनी क्लासेस को कवर अप कर लें प्लस आपके मोस्ट ऑफ कंडक्ट कर लू और एक चीज जो आपको इंश्योर करनी है ये आपका कमिटमेंट है आपका प्रॉमिस है जो आपको अपने आप से भी करना है और हमसे भी करना है आप किसी भी टेस्ट को मिस नहीं करेंगे क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेंगे क्लासेस को मिस करने का मतलब है कि आप अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को वीक कर रहे हैं तो सिंसियरिटी के साथ रेगुलरिटी के साथ आपको अपनी क्लासेस को अटेंड करना है तो इस शेड्यूल के दौरान हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर वन सिक्स सेवन एट एंड टेन प्लस मॉक टेस्ट पेपर रिवीजन सेशंस एंड टाइम टू टाइम बीच बीच में एमसीक्यू सेशंस सिलेबस सेम है बिल्कुल सिलेबस तो जुलाई ट्वेंटी फोर में ही आ गया था ना अब मे ट्वेंटी फोर का एग्जाम हो तो चुका हम इस नए सिलेबस के ऑलरेडी दो बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं एक जुलाई ट्वेंटी थ्री में लिया था हमने फर्स्ट बैच और दूसरा बैच नवंबर ट्वेंटी थ्री में लिया था ये तीसरा बैच है नए सिलेबस का हमारे कोई चेंज नहीं हुआ बेटा कोई सिंगल चेंज नहीं है नवंबर ट्वेंटी थ्री से अब नवंबर ट्वेंटी थ्री का जो बैच है वो नए सिलेबस वाले की बात कर रहा हूं पुराने की बात नहीं कर रहा नवंबर ट्वेंटी थ्री एग्जाम की बात नहीं की मैंने बैच की बात की है बैच दिस इज मे ट्वेंटी फोर बैच तो नवंबर 23 में जो हमने बैच लिया था वो किसके लिए था मे ट्वेंटी फोर एग्जाम के लिए जो नए सिलेबस में हुआ है ठीक है जी तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो स्टूडेंट्स की नॉलेज में होनी चाहिए मेन सब्जेक्ट को मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अब आप बताएं इसके अलावा कोई और चीज जो आप जानना चाहते हैं अदर देन अदर देन सब्जेक्ट टॉपिक को छोड़कर टॉपिक तो मैं आप शुरू करा दूंगा आप अकेडमिक्स कोई भी चीज आपके माइंड में है तो जी हां जी अमित अखिलेश देविका यतिन समकित त्रिलोक विभा दक्ष नमन नुपुर गंभीर

हाँ जी और बताइए तो कार्यक्रम शुरू किया जाए ओके डन तो चलिए फिर शुरू करते हैं सब्जेक्ट को आज मैं आपको कोई चैप्टर नहीं करा मैं आज आपको पूरी ऑडिट में से कुछ शब्द ऑडिट क्या होता है एथिक्स क्या होता है प्रिंसिपल्स क्या है थ्रेट्स क्या होते हैं सेफ क्या हैं स्टैंडर्ड्स क्या हैं ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं ऑडिट टेक्निक्स क्या हैं एविडेंस क्या है रिपोर्ट कैसे बनती है ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट होती है ऐसे कुछ वर्ड दो इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज का और नेक्स्ट लेक्चर उसमें ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स कराऊंगा ताकि आप इस सब्जेक्ट के बारे में समझ सके कि ये सब्जेक्ट क्या है इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स Meaning of auditing a systematic. And independent examination of data records statements operations. And performance of an entity for a stated purpose. थॉमस क्या कह रहे हैं रिवीजन अच्छे से करा दो सितंबर चौबीस स्टूडेंट टूक मे ट्वेंटी फोर क्लास हाँ ठीक है हो जाएगी कुछ चैप्टर्स की रिवीजन पिछले बैच में हुई है जैसे चैप्टर वन की टू की इलेवन की बाकी चैप्टर्स की रिवीजन इस बैच में हो जाएगी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट एज मैनी एज टॉपिक जो मैं कर सकता हूं रिविजन के लिए और क्लासेस के दौरान भी हम टॉपिक्स को साइमल्टेनियसली रिवाइज करते चलेंगे बट एक चीज मैं आपको एंश्योर करूंगा एंश्योर नहीं रादर। आप लोगों को एडवाइज करूंगा वो ये आप एंड टाइम के लिए एंड टाइम के लिए कि रिवीजन वीडियोस होंगी उसमें से रिवाइज करेंगे उस पर डिपेंडेंट कभी मत रहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपनी क्लासेस के साथ साथ चीजों को रिवाइज करते रहिए आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए जिससे आप रिवाइज कर सकें जब एग्जाम टाइम पे प्रिपरेशन का टाइम होता है उस टाइम पर अवॉइड वाचिंग एनी वीडियो रादर फोकस ऑन योर नोट्स अपने नोट्स पर फोकस करिए उनसे रिवाइज करिए रिवीजन आप कोशिश करिएगा क्लासेस के साथ साथ ही कंप्लीट करने कुछ टॉपिक्स की रिवीजन मैं कराऊंगा कुछ टॉपिक्स की रिवीजन आप खुद भी करेंगे चलिए तो अब मैंने आपको कुछ वर्ड दिए हैं क्या क्या हाउ वी कैन डिफाइन द वर्ड ऑडिट असिस्टेमेटिक एंड इनडिपेंडेंट examination of data, record statements, operation and performance of an entity for a stated purpose. अब जरा समझिए इसको क्या-क्या word क्या हमने cover किए। जब मैं बात करता हूँ systematic की तो मैं आपसे पढ़ाई के लिए भी कहता हूं आप सिस्टेमेटिक अपनी तैयारी को करके चलिएगा चीजों को नोट डाउन करिएगा क्लास का जो होमवर्क दिया है साइमल्टेनियसली करिएगा चैप्टर टाइमली रिवाइज करिएगा टेस्ट साथ साथ दीजिएगा सो so, इन्हीं चीजों के बेस पर आप कहते हैं कि आपने जो तैयारी की है वो एक सिस्टेमेटिक तैयारी की है तो उसी सिस्टमैटिक को मैं आपके साथ ऑडिट में यदि यूज करूं सिस्टेमेटिक का मतलब है एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी आपको करनी है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड इन अ प्लैंड मैनर प्रॉपर प्लानिंग के साथ सो so, अब मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाता हूं नोट्स ऑडिट इज अ स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट इन अ प्लैंड बैनर क्या क्या स्टेप हो सकते हैं Step one Audit Engagement Step two Audit Planning Step three ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेप फोर ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग फोर स्टेप्स में हमारी ऑडिट एक्टिविटी परफॉर्म होती है फोर स्टेप्स में तो ये क्या क्या है ये चार स्टेप्स नंबर वन ऑडिट एंगेजमेंट ये क्या होती है ऑडिट एंगेजमेंट इज एन एक्टिविटी इन विच अ रिलेशनशिप इन बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट इज क्रिएटेड क्लाइंट ऑफर देता है कि हम बिलिंग हैं हम आपसे अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स की ऑडिट करवाना चाहते हैं ऑडिटर अपनी एक्सेप्टेंस देता है एंड देन फिर क्लाइंट अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है और ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर करता है है तो ये एक इनिशियल एक्टिविटी जहां पर ऑडिट audit और ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में एक रिलेशनशिप एक रिश्तेदारी बनती है क्लाइंट और ऑडिटर की तो ये पहली स्टेज आ गई हमारी ऑडिट एंगेजमेंट देयर आफ्टर ऑडिट प्लानिंग ऑडिट प्लानिंग के अंदर ऑडिटर दो एक्टिविटी परफॉर्म करता है क्या क्या है वो एक्टिविटी एस्टैब्लिश ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलप ऑडिट प्लान अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा इन इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो मेरा ऑब्जेक्टिव है आपके माइंड में ऑडिट की टर्म्स को डालना है कॉन्सेप्ट 50 60 परसेंट मैं चाहता हूं आपकी नॉलेज में आए इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं बड़ी अच्छी बात है मेरा ऑब्जेक्टिव इन दो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपके माइंड में ऑडिट की टर्म्स को डालना है कि ऑडिट से क्या-क्या टर्म एसोसिएटेड होती है डिटेल तो सारे लेक्चर्स में हमने डिटेल पढ़नी ही है तो दो लेक्चर में मैं सारी डिटेल तो आपको दे ही नहीं सकता तो कुछ चीजें हो सकता है आपको इनिशियल स्टेज में इन इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर पूरी तरह से क्लियर ना हो क्यों? क्योंकि उसकी डिटेल्ड नॉलेज चाहिए जो लेटर ऑन हम कवरअप करेंगे तो ऑडिटर आफ्टर बीइंग विद द क्लाइंट अपना ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटी को करता है तो ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटी में वो करता क्या है नंबर एक वो ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करता है अब ये ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है इसकी बात कर लें स्ट्रेटजी एक अप्रोच कम से कम रिसोर्सिस को यूज करके बेस्ट से बेस्ट एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए तो ऑडिट स्ट्रेटजी में ऑडिटर प्लान ऑडिट अप्रोच डिसाइड की जाती है कि मैं कितने समय में ऑडिट को कंप्लीट करूंगा मेरी ऑडिट टीम के मेंबर कौन कौन होंगे हमारी सी फर्म में से कौन कौन से पर्सन ऑडिट करने जाएंगे इस ऑडिट को करने के लिए किस लेवल की कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी की जरूरत है और एंगेजमेंट टीम को तैयार किया जाता है कि ये पर्सन इस ऑडिट को परफॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन दिस ऑडिटर अपना एक ऑडिट प्लान डेवलप करता है जिसमें वो तीन मेन चीजों पर काम करता है क्या नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कि मैं ऑडिट के दौरान नेचर कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा टाइमिंग मैं इन प्रोसीजर को किस समय परफॉर्म करूंगा एक्सटेंट टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर जिसको हम कॉमनली एन टी बोल देंगे बहुत यूज होगा पूरी ऑडिट में एन टी ई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर देयर आफ्टर अब स्टेप वन में एंगेजमेंट हो गई स्टेप टू में स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश हो गई ऑडिट प्लान डेवलप हो गया तो अब क्या बात आएगी अब आएगा ऑडिट एग्जीक्यूशन ऑडिट एग्जीक्यूशन से हमारा क्या मतलब है एग्जीक्यूशन जो प्लान बनाया उसमें जो प्रोसीजर लिखा उस प्रोसीजर को परफॉर्म करिए एंड ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिए दैट इज परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस तो स्टेप वन में क्या कहा डेवलपिंग रिलेशनशिप ऑफ क्लाइंट एंड ऑडिटर क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया हमने ऑडिट एक्सेप्ट की क्लाइंट ने ऑफर लेटर दे दी हमने एक्सेप्टेंस लेटर दे दी जब हम ऑडिटर बन गए किसी कंपनी के उसके बाद हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश किया देयर आफ्टर हमने अपना एक ऑडिट प्लान डेवलप किया और उसके प्लान के अंदर हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लिखे उन प्रोसीजर्स को फिर हमने परफॉर्म किया और सबूत इकट्ठे करे किस चीज के सबूत इकट्ठे करोगे किन चीजों के सबूत इकट्ठे करोगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं या ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई गई हैं क्या ये एंड फेयर क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एफ आर एफ मीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल उनके हिसाब से बनाई गई है या नहीं बनाई गई उसके सबूत इकट्ठे करने तो जब अब ये सबूत इकट्ठे हो गए तो उन सबूतों के बेस पर मुझे लेना है एक कंक्लूजन किस चीज का आई नीड टू ड्रॉ ए कंक्लूजन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बींग प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड ए एस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो सबूतों के बेस पर ऑडिटर अपना कंक्लूजन लेता है और अपनी रिपोर्ट इश्यू करता है दैट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट अब आपको पता है मैंने इतनी डिस्कशन में आपको चार चैप्टर के नाम बता दिए चार चैप्टर्स के नाम एक चैप्टर नंबर इलेवन है दैट इज एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट तो ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड चीजें चैप्टर नंबर ग्यारह में दी गई है एक चैप्टर है आपका ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम स्टेप टू की एक्टिविटी एक चैप्टर है आपका ऑडिट एविडेंस का पूरा एक चैप्टर है आपका ऑडिट रिपोर्टिंग का तो ये जो चार स्टेजेस हैं ये बेसिकली चार चैप्टर हैं अब जरा जल्दी से बताओ क्या ये स्टेजेस बेसिक आइडिया इनका लगा या नहीं लगा अब सोच लो चार चैप्टर हैं ये चार चैप्टर तो इतनी जल्दी तो डिटेल तो नहीं समझ में आएगी कराई नहीं है अभी तक तो बेसिक का आइडिया लगा या नहीं लगा हां ना में जवाब दो बेसिक्स क्लियर है क्लियर ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले एक वर्ड कराया था बस ये सिस्टेमेटिक तो सिस्टमेटिक वर्ड मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया कि स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है जो आप एक प्रॉपर तरीके से चलाएंगे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे अब मेरे पास दूसरा वर्ड है इनडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस क्या होती बिना किसी के दबाव में आए बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए ईमानदारी के साथ इम्पार्शियल एटीट्यूड के साथ अपने काम को करना विदाउट बींग इंफ्लुएंस्ड बाय द पर्सन हु माइट एंगेज द ऑडिटर अब मान लीजिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट के दौरान आपको अकाउंटिंग बुक्स में या पॉलिसीज में कुछ इरेगुलरिटीज मिली कुछ इरेगुलरिटीज नोटिस की आपने। आप को कहते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करिए और इन इरेगुलरिटीज को हटाइए अदरवाइज मैं रिपोर्ट में इन चीजों को कवर करूंगा मैनेजमेंट ने उसे कहा यदि आप रिपोर्ट में लिखोगे तो हम आपकी ऑडिट फीस नहीं देंगे यदि आप रिपोर्ट में लिखोगे हम आपको अगले साल का ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे ठीक हम करेंगे नहीं गलतियों को ठीक हम करेंगे नहीं बताइए मुझे क्या करना चाहिए जी, वट शुड आई डू मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे मैनेजमेंट की बातों को मान लेना चाहिए क्या मुझे मैनेजमेंट की बातों को मान लेना चाहिए या इन डिपेंडेंटली काम करना चाहिए और जो सही लगे उसे ऑडिट रिपोर्ट में लिखना चाहिए विभा का कहना है सर हमें रिपोर्ट करना चाहिए जो ट्रू एंड फेयर है बिल्कुल सही कहा हां जी ये यूट्यूब वाले बच्चे जरा जवाब दो थॉमस संचित गंभीर पूजा क्या करना चाहिए क्या हमें रिपोर्ट में लिखना चाहिए हम्म हां संभव बिल्कुल रिपोर्ट में लिखना चाहिए और वो रिपोर्ट हमारे लिए हमारे लिए एक मॉडिफाइड रिपोर्ट बनती है मैं रिपोर्ट की टाइप्स कराऊंगा लेटर ऑन आपको तो इस तरीके से ये एक इनडिपेंडेंस वर्ड है जो हमारे सामने आता है तो मैं आपको इनडिपेंडेंस पर एक और नोट करा रहा हूं ये इनडिपेंडेंस क्या होती है इंडिपेंडेंस It is a state of mind which requires that the judgment of a person should not be.

अब समझिए स्टेट ऑफ माइंड मेरा अपना माइंडसेट जो मुझे गाइड करेगा कि जजमेंट ऑफ अ पर्सन और यहां पर ये पर्सन बेसिकली कौन है ऑडिटर ऑडिटर वो किसी दूसरे पर्सन की जिसने ऑडिटर को एंगेज किया दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट एंटिटी क्लाइंट एंटिटी की मैनेजमेंट के दबाव में आकर अपनी कोई जजमेंट ना ले मेरी जजमेंट ड्यू डिलीजेंस के साथ ली जाए ऑब्जेक्टिविटी के साथ ली जाए बिना किसी अनड्यू इंफ्लुएंस के ली जाए ऑनेस्टी के साथ ली जाए कंपिटेंसी के साथ ली जाए हेंस ऑडिटर नीड टू परफॉर्म his work without being biased auditor need to perform his work with honesty and impartial attitude auditor need to perform his work with due diligence auditor should need to perform his work without being इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स तो ये एक रिक्वायरमेंट है हमारी ऑडिट की कि हम जो काम करें बिना किसी बायसनेस के करें ईमानदारी एंड इम्पार्शियल एटीट्यूड के साथ अपने काम को करें ड्यू डिलीजेंस स्किल एंड कंपिटेंसी के साथ अपने काम को परफॉर्म करें विदाउट बींग इंफ्लुएंस्ड बाई अदर बिना किसी के इंफ्लुएंस में आए हमें अपने काम को करना चाहिए रीजन हमारी वर्किंग के ऊपर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रिलाई करते हैं बैंक गवर्नमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई सेबी रेगुलेटर्स तो, दो वर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किए एक सिस्टेमेटिक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी की डिटेल मैंने आपको दी नंबर दो इन डिपेंडेंस की डिटेल मैंने आपको दी तो ऑडिटर को डिपेंडेंस एंड सिस्टेमेटिक तरीके से डेटा रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स, परफॉर्मेंस इसे एग्जामिन करना चाहिए तो जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा एग्जामिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करिए इन्वाइसिस को चेक करिए वाउचर्स को चेक करिए एग्रीमेंट को चेक करिए मिनट्स बुक्स को चेक करिए एग्जामिनेशन किस चीज की हो सकती है एग्जामिनेशन डेटा की हो सकती है जैसे अकाउंटिंग डेटा फाइनेंशियल डाटा स्टेटिस्टिकल डाटा नॉन स्टेटिस्टिकल डाटा रिकॉर्ड्स मिनट बुक्स स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हो गया ऑपरेशन मार्केटिंग प्रोडक्शन सेल्स परचेजेस, कोई भी ऑपरेशन की ऑडिट हो सकती है परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रोडक्शन परफॉर्मेंस अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्राइमेरिली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन से सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करने में एक्सपर्ट है प्रोडक्शन को मार्केटिंग को ऑपरेशन को एम्प्लॉय डेटा को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताइए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज किस चीज में रखता है एग्जामिनेशन की यदि मैं बात करता हूं तो जवाब आया सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंड दैट्स वाई वी आर कंसर्न विद फाइनेंशियल ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट से हम कंसर्न रखते कोस्ट ऑडिट कौन करेगा मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं यदि कोस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करना हो कॉस्ट शीट को ऑडिट करना हो कॉस्ट स्टेटमेंट को ऑडिट करना हो तो एक्सपर्ट कौन है कोस्ट का हां जी बताइए कोस्ट रिकॉर्ड एंड कोस्ट शीट को ऑडिट करने का एक्सपर्ट बिल्कुल सही जवाब दिया है दट इज कॉस्ट अकाउंटेंट अच्छा एक और क्वेश्चन सुनो अब तो आप जवाब देते जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन भी पूछता जाऊं सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स मीन्स कंपनी के रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर रजिस्टर ऑफ चार्जिज रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड एंड ऑल अदर स्टेट्यूटरी स्टेटरी ऑडिट को करने की कंपिटेंसी किस पर्सन के पास है वेरी गुड जवाब आ गया आधे बच्चों ने तो क्वेश्चन सुनने से पहले ही जवाब दे दिया सी एस बिल्कुल सही जवाब है पूजा संभव संकित सचिन दट इज कंपनी सेक्रेटरी राइट विभाग कंपनी सेक्रेटरी तो तीन मेन ऑडिट की मैंने आपके साथ बात कर ली फाइनेंशियल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट का एरिया है सेक्रेटेरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी का एरिया है कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट का एरिया है बाकी ऑडिट सिस्टम ऑडिट ऑपरेशन ऑडिट एनवायरमेंट ऑडिट एनर्जी ऑडिट क्वालिटी ऑडिट बहुत सारी अलग-अलग तरह की ऑडिट हैं डिपेंडिंग अपॉन द डाटा दैट इज टू बी एग्जामिन जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको एग्जामिन किया जाना है उसके ऊपर चीजें डिपेंड कर जाती है सो so, ये जो डाटा है रिकॉर्ड है स्टेटमेंट है ऑपरेशन है परफॉर्मेंस है दैट इज व्हाट सब्जेक्ट मैटर इन शॉर्ट मैंने इसको नाम दे दिया सब्जेक्ट मैटर तो किसी एक एंटिटी के एंटिटी क्या हो सकती है Maybe a corporate entity like company. Maybe a non-corporate entity. Maybe a profit-oriented unit. Maybe NGO. Maybe government entity. Maybe non-government entity. एंटिटी so, कोई भी हो सकती है एनी एंटिटी मे बी गवर्नमेंट मे बी नॉन गवर्नमेंट मे बी अ कॉरपोरेट एंटिटी मे बी नॉन कॉरपोरेट एंटिटी मे बी अ प्रॉफिट ओरिएंटेड यूनिट मे बी ए नॉन प्रॉफिट एनजीओ किसी भी एंटिटी के किसी सब्जेक्ट मैटर को सिस्टेमेटिकली एन इंडिपेंडेंट एग्जामिन करना फॉर अ स्टेटेड पर्पस फॉर अ स्टेटेड पर्पज पर्पज क्या है टू एक्सप्रेस एंड ओपिनियन देयर इनके ऊपर अपनी ओपिनियन को देना दैट इज नोन एज द ऑटिक सो इन डिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑपरेशन परफॉर्मेंस एटसेट्रा ऑफ एन एंटिटी फॉर अ स्टेटेड पर्पस इज नोन एज द ऑडिट और अब जो हमारी ऑडिट है यदि मैं उसको पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ऑडिट पर लेकर आ जाऊं तो फाइनेंशियल ऑडिट पर तो मेरा पर्पस क्या होगा तो मेरा पर्पस है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई गई है या नहीं बनाई गई मैं आपको किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट दिखाऊं रुकी है। कोई ना कोई ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए एनुअल रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑडिटर की ऑडिटर रिपोर्ट है ऑडिटर रिपोर्ट का टाइटल देखिए क्या लिखा हुआ है ऑडिटर रिपोर्ट का टाइटल वो है इनडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट यही हैंग हो गया इतनी हैवी फाइल है रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये इन डिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट चलो ऐसे ही देख लो किसको एड्रेस की गई है टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिपोर्ट बनाई गई ऑन द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपिनियन ऑडिटर क्या लिखता है देखिए वी हैव ऑडिटेड द दि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंक्लूडिंग इट्स ज्वाइंट ऑपरेशन विच कंप्राइज द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने ऑडिट की है एंड ये होता है ऑडिट रिपोर्ट का सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कंपनी एक्ट ट्वेंटी थर्टीन इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है ये आ गया एफ आर एफ का नाम इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन वन थर्टी थ्री ऑफ द एक्ट रीड विद द कंपनीज इन दस रूल 2015 एंड अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया तो इस तरीके से ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन देता है। बहुत सारे कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट के वो तो आगे चलकर डिस्कस करेंगे लेटर ऑन बट अभी जो हमारे पास मैटर है वो ये है कि ऑडिट की जाती है तो इस ऑडिट का पर्पस क्या है ऑडिट का पर्पस होता है अपनी एक इनडिपेंडेंट ओपिनियन एक्सप्रेस करना और वो ओपिनियन एक्सप्रेस होती है किसके थ्रू थ्रू द ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट का टाइटल भी क्या होता है ऑडिटर रिपोर्ट का टाइटल भी क्या है दट इज इन डिपेंडेंट रिपोर्ट अब बताइए जरा क्या आपको अपने सब्जेक्ट का जो नाम है टाइटल है ऑडिटिंग एंड एथिक्स उसका एक जो पहला वर्ड है ऑडिटिंग उसके बारे में आइडिया लगा कुछ कि ऑडिट क्या है थोड़ा सा आइडिया बस ज्यादा डिटेल तो आगे पढ़ेंगे रिप्लाई देते रहा करिए रिप्लाई देते रहते हो तो हाँ लगता है कि एक टू वे कम्युनिकेशन चल रही है अदरवाइज़ फिर ऐसा लगता है कि रिप्लाई नहीं दोगे तो रिकॉर्डिंग क्लासेस ही दे दो लाइव की क्या जरूरत है जब बच्चे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो जी यस 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 हाँ बिल्कुल इसी तरह से स्क्रीन को भर दीजिए करें यस 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 के साथ तो चलिए अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मैं आपको कराऊंगा आपके सब्जेक्ट का दूसरा नाम दैट इज एथिक्स ठीक है तो मिलते हैं ब्रेक के बाद चलिए जी कंटिन्यू करें जी सर तो चलिए जी तो मैंने आपको ब्रेक से पहले ऑडिटिंग वर्ड एक्सप्लेन किया ऑडिटिंग होता क्या है तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ड के ऊपर और दूसरा वर्ड है मेरे पास एथिक्स वन टू मीनिंग ऑफ एथिक्स एथिक्स क्या है कि हम इन जनरल बात करते हैं उस पर्सन के एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कोई एग्जाम्पल दे सकते हो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में कौन सी ऐसी कॉरपोरेट हाउसेस हैं जिनके एथिक्स बड़े स्ट्रांग माने जाते हैं एनी एग्जाम्पल दो तीन कॉरपोरेट हाउसेस के नाम बताइए बताओ अदानी ग्रुप अंबानी ग्रुप टाटा ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप चार नाम बताए उसमें से दो नाम बताओ जिनके एथिक्स स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं चार में से दो तो बता दो अदानी अंबानी टाटा आदित्य बिरला नाम एक ही दिया बच्चों ने टाटा ग्रुप दूसरा सेलेक्ट करना हो तो आदित्य बिरला ग्रुप अदानी अंबानी को क्यों नहीं कहा आपने एथिकल कह रहे हैं छोड़ो जी छोड़ो अच्छा छोड़ दिया अदानी अंबानी तो आजकल पॉलिटिकल डिस्कशन का भी मुद्दा है इवन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में भी अदानी अंबानी चलते रहते हैं एथिक्स so, क्या है एक पर्सन के प्रिंसिपल्स जिससे उसका एक बिहेवियर उसका कंडक्ट गवर्न होता है और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की बात करें छोड़िए कॉर्पोरेट हाउसेस को छोड़िए पॉलिटिक्स को बात करते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रेफरेंस में हम बात करें तो क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के कंडक्ट में नजर आने चाहिए पांच पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो कोड ऑफ एथिक्स एक कोड ऑफ एथिक्स है जो आईसीएआई की काउंसिल ने इशू किया हुआ है जिसके अंदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है और उसमें पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कौन कौन से हैं वो पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पहले नोटिंग कराता हूं फिर डिस्कशन करू नोट डाउन करिए एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप fundamental principles to be followed by a professional accountant a professional accountant is required to ensure compliance of fundamental principles

code of ethics prescribes the following fundamental principles Behla, integrity second one Objectivity, third one, professional competence and due care, fourth, confidentiality, and last. प्रोफेशनल बिहेवियर पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कोड ऑफ एथिक्स में बताए गए हैं नौ अब बात करते हैं ये क्या क्या बोलते हैं ये प्रिंसिपल्स फर्स्ट प्रिंसिपल इंटीग्रिटी सेकंड ऑब्जेक्टिविटी थर्ड वन पीसीडीसी फोर्थ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फिफ्थ प्रोफेशनल बिहेवियर डिटेल में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे अभी मैं आपको थोड़ा सा समेराइज करता इंटीग्रिटी वर्ड क्या कहता है द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन शुड बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तो एक पर्सन ईमानदारी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के काम करें अपनी कोई भी एसोसिएशन किसी भी ऐसे पर्सन के साथ ना रखें जिसकी ऑनेस्टी के ऊपर जिसकी इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कोई भी ऐसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करे जहां पर उसको लगता है दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज मिसलीडिंग और मिसरिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स तो ईमानदारी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के अपने काम को करिए ऑब्जेक्टिविटी बिना किसी बाइसनेस के भेदभाव के अपने काम को करिए किसी को फेवर नहीं करना किसी के अगेंस्ट नहीं जाना जो आपको नजर आ रहा है जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से काम करिए विदाउट बीइंग बींग कोई बायसड वर्किंग नहीं होनी चाहिए प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड ड्यू केयर अपने काम को विद ड्यू केयर स्किल कंपिटेंसी के साथ परफॉर्म करिए एंश्योर करिए जो काम आप कर रहे हैं दैट इज इन कंप्लाइंस विद प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द जैसे के स्टैंडर्ड हैं, उसी तरह से ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड हैं, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को एंश्योर करना है दैट द वर्क इज परफॉर्मड विद ड्यूटिलीजेंस द वर्क इज परफॉर्मड विद ड्यू केयर स्किल कंपिटेंसी इसके लिए अपने आप को कंपिटेंट करिए अपने आप को अपनी नॉलेज को एनहांस करिए अपनी टेक्निकल स्किल्स को टाइम टू टाइम इंप्रूव करिए। फोर्थ, कॉन्फिडेंशियलिटी, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी एंगेजमेंट यू बिकम अवेयर विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट आपको क्लाइंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस मिलती है आपको क्लाइंट के रिकॉर्ड्स पता चलते हैं आप क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट्स चेक कर सकते हैं आप क्लाइंट के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं मिनट्स बुक्स चेक करते हैं रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेक्ट्रा सो यू आर इन अ पोजिशन दैट यू हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन दैट इज कॉन्फिडेंशियल इन नेचर क्या आपको इस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए नो no.

ये कितना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी का है बड़ा बेसिक इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाता हूं कहाँ से आएगी इसकी इंपॉर्टेंस के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं कहां पर, कहां पर, कहां पर? ए फाइनल के मे ट्वेंटी फोर के पेपर पर सीए फाइनल के अंदर पांच नंबर का क्वेश्चन आया है In terms of subsection 114 of revised code of ethics, a professional accountant shall comply with the principle of confidentiality, which requires an accountant to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional or employment relationship. Confidentiality serves the professional interest because it facilitates the free flow of information from professional accountant, client, or organization to the accountant. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये क्वेश्चन था द दर्कमस्टांसिस अंडर विच अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू डिस्कलोज द इंफॉर्मेशन या डिस्कलोजर ऑफ इंफॉर्मेशन माइट बी अप्रोप्रिएट एंड इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्कलोज द इंफॉर्मेशन और नॉट व्हाट आर द पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड बाई द प्रोफेशनल अकाउंटेंट सो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये सी ए फाइनल के एग्जाम में आया है पांच नंबर का क्वेश्चन है ये इंटरमीडिएट का टॉपिक सोचकर देखो जब फाइनल में इंटरमीडिएट का पांच नंबर का क्वेश्चन आ सकता है टॉपिक इंटरमीडिएट का है तो इंटर में तो इंपॉर्टेंस रखता ही है या नहीं रखता और ये क्यों दिखाया आपको समझ आया कुछ आप अभी तो है इंटरमीडिएट में और आज है आपका पहला लेक्चर आज ही आपको एक बात बता देता हूं जो गांठ बांध लीजिएगा मतलब माइंड में रखिएगा हमेशा अपने पास क्या सी ए मींस फाउंडेशन फाइनल प्लस आर्टिकलशिप एंड ट्रेनिंग सिर्फ इंटरमीडिएट सी नहीं होती फाइनल में आप जाएंगे अपने सीनियर से बात करिएगा मेरी बात पर शायद हो सकता है आपको पूरा विश्वास ना हो बट अपने सीनियर से बात करिएगा तो ज्यादा विश्वास होगा आपको उनसे पूछिएगा क्या इंटरमीडिएट की नॉलेज फाइनल में काम आती है या नहीं आती इंटरमीडिएट में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे चीजों को रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ना केवल इंटरमीडिएट में आप बड़े अच्छे नंबरों से पास होंगे बट फाइनल में भी ये चीजें आपको 20 30 परसेंट हेल्प करेंगी इन एडिशन एडिशनल हेल्प मिलेगी सो so, और खास तौर से मैं ऑडिट के पेपर की बात करूं तो ऑडिटिंग का जितना सिलेबस आप इंटर में पढ़ रहे हैं यही चीजें एडवांस होकर फाइनल में आती हैं तो इंटर में आपने इन चीजों को अच्छी तरह से पढ़ा तो इनकी एडवांस टॉपिक्स इनकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के फाइनल के क्वेश्चन को दिखाने का मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था आपको अभी कि इंटर के टॉपिक्स भी फाइनल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो इंटर पे अच्छी तरह से ध्यान रखिए तो इंटरमीडिएट भी बड़े अच्छे नंबरों से पास होगी और फाइनल में भी आपकी हेल्प होगी पांचवा प्रिंसिपल दैट इज प्रोफेशनल बिहेवियर ये क्या कहता है प्रोफेशनल बिहेवियर मींस सीए का जो कंडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपके प्रोफेशन की कोई डिस्क्रेडिट डिसरिगार्ड ना हो और आप जो काम कर रहे हैं दैट इज इन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन लॉ एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस में रह करके आप अपने काम को कर रहे हैं तो पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को या आप कहिए एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंप्लाई करने हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रैक्टिस और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट एज द केस में भी। हर एक सीए को चाहे वो प्रैक्टिस में है या वो सर्विस में है

और इन पांचों प्रिंसिपल की एक इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको अभी सीए फाइनल के ऑडिट के पेपर की बताई एक और बताऊं। सीए फाइनल का सबसे बड़ा पेपर कौन सा है सबसे बड़ा पेपर सुना तो जरूर होगा सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है सीए फाइनल का सौ से ऊपर क्लासें लग जाती है उस पेपर के अंदर इतना लेंथी सिलेबस है पता है उस पेपर का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंट्स का पेपर और उस अकाउंट्स के पेपर में भी एक चैप्टर है किसका प्रोफेशनल एथिक्स का यही पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंट के साथ जोड़ रखे हैं सारे अकाउंट्स के साथ जोड़े हुए हैं ये पांचों फंडामेंटल प्रिंसिपल तो इसकी डिटेल आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 अब बेटा ऑडिट नहीं है सबसे बड़ा पेपर ऑडिट तो छोटा है फाइनल में ऑडिट इंटर में भी छोटा है फाइनल में भी छोटा है अकाउंट्स जितना इंटर में बड़ा है उतना ही फाइनल में भी बहुत बड़ा है और उसके अंदर एक चैप्टर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का इन्हीं इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर याद रहेंगे ये पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे जाकर चैप्टर नंबर ग्यारह में चैप्टर नंबर ग्यारह में जिसका नाम है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट तो पांच प्रिंसिपल हैं जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को फॉलो करने हैं अब इन्हीं पांच प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस में हमारे सामने आते हैं कुछ डर थ्रेट्स थोड़ी सी कहानी उनकी भी बता दूं थ्रेट्स इन कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल पांच थ्रेट्स हैं नाम लिख लीजिए थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा आपके साथ बहुत ज्यादा नहीं करूंगा डिस्कशन डिटेल आएगी चैप्टर इलेवन में सेल्फ रिव्यू थ्रेट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फेमिलियरिटी थ्रेट एडवोकेसी थ्रेट इंटीमिडेशन पांच थ्रेट सेल्फ रिव्यू सेल्फ इंटरेस्ट फेमिलियरिटी एडवोकेसी इंटीमिडेशन सुनिए और समझिए क्या है ये फ़िनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का काम मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा क्वेश्चन के जवाब दीजिए उसी के बेस पर ये थ्रेट्स डिस्कस कर लेंगे एक कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है ये आप में भी पढ़कर आए होंगे और कंपनी एक्ट 2013 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का आपका जो पेपर है उसके सेक्शन 128 एंड 129 चैप्टर नंबर नाइन अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में भी आपने पढ़ा होगा विवाह बेटा गलत आंसर एक कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेदारी किन पर्सन के ऊपर है कंपनी के अंदर बताइए हां जी सचिन पूजा गंभीर देव विभा सामन रोहित अमित अखिलेश संकित संभव बताइए जी हु इज हुपॉन्सिबल फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी मैंने आपसे लॉ की कुछ बातें पूछी हैं जिसका पेपर कुछ बच्चे देकर भी आए हैं अभी यस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है डायरेक्टर फाइनेंस के ऊपर है सीएफओ के ऊपर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर के ऊपर होता है और यदि मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ना हो देन ऑल डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी तो कुछ बच्चों का मेरे पास जवाब आया कि सर ये जिम्मेदारी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पर होती है नहीं बेटा कंपनी की जिम्मे बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर होती है कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर होती है कंपनी क्या कर सकती है डायरेक्टर को नॉलेज नहीं है तो डायरेक्टर क्या कर सकते हैं डायरेक्टर एक सीए को हायर कर लेगा अकाउंट्स मैनेजर बनाकर अकाउंट्स मैनेजर बनाकर तो डायरेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी एक सीए को डेलीगेट की है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की ही थी अब यदि एक सीए ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई वो कंपनी का बन गया एम्प्लॉ क्या बन गया सीनियर अकाउंट्स मैनेजर और कंपनी का एम्प्लॉय बन गया कंपनी उसको दो लाख रुपए महीने की सैलरी देती है अब एक सीए ने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई दूसरे सीए ने आप हैं वो दूसरे सीए जो ऑडिटर हैं वो चेक कर रहे हैं देन क्या आपकी चेकिंग सही होगी बिल्कुल सही होगी बट यदि कंपनी ने सोचकर देखिएगा कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जिम्मेदारी भी आपको डेलीगेट की और आपको ही ऑडिट का काम भी दे दिया कि आप ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दीजिए उसके लिए हम आपको प्रोफेशनल दे फीस दे देंगे ढाई लाख रुपए की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो और आप ही इनकी ऑडिट भी कर देना ऑडिट फीस दे, दे देंगे चार लाख रुपए साढ़े छह लाख रुपए पर पूरा पैकेज कंपनी ने आपको दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का और इनकी ऑडिट का अब जरा बताओ यदि आप ही बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो आप ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप क्या इन बुक्स की और फाइनेंशियल की एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंटली करेंगे यस और नो में जवाब चाहिए सिर्फ यदि आप ही बुक्स बना रहे हैं अकाउंटिंग आप ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो और आपको ही एग्जामिन करने के लिए दे दिया जाए क्या आपकी एग्जामिनेशन इनडिपेंडेंट होगी यस और नो जवाब आया बिग नो वेरी गुड बिग नो मतलब ही नहीं होता सर इंडिपेंडेंट कहां से हो जाएगी हम अपनी गलती क्यों निकालेंगे तो इसका मतलब आपके सामने कौन सा थ्रेट आया है इन पांचों में से सोचो जरा अपनी ही बनाई हुई चीज को एग्जामिन कर रहे हो कौन सा थ्रेट आया आइडेंटिफाई खुद करने की कोशिश करो जरा मैं तो बता ही दूंगा बट खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो पांचों में से कौन सा थ्रेट अपनी ही बनाई हुई रिकॉर्ड को अपनी ही बनाई हुई फाइनेंशियल को एग्जामिन करना ए सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो आप ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे ये थ्रेट आपके सामने खड़ा है तो इसीलिए कंपनी लॉ यदि आपने पढ़ा है जो कंपनी का ऑडिटर है सेक्शन वन फोर्टी फोर ऑफ कंपनी एक्ट दो हजार तेरह याद हो तो याद है जिन्होंने लॉ पढ़ लिया चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स का सेक्शन 144 क्या कहता है ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट रेंडर सर्टेन सर्विसेज़ टू कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और उसमें अकाउंटिंग सर्विसेज़ है कंपनी का ऑडिटर कंपनी को कंपनी की होल्डिंग को कंपनी की सब्सिडियरी को अकाउंटिंग सर्विसेज नहीं दे सकता क्यों सेल्फ रिव्यू थ्रेट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं अब मैं आपके सामने मैं पिछले आठ दस सालों से ऑडिट कर रहा हूं बड़ी कंपनी है और जब लगातार आप कुछ समय तक एक पर्सन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं काम करते हैं तो आपको उनके बारे में पता चल जाता है दोस्ती भी हो जाती है आपस में मुलाकात होती रहती है फिर धीरे धीरे फैमिली फंक्शन में आना जाना हो जाता है ये रिश्तेदारी रिलेशनशिप बढ़ती चली जाती है तो यदि एक ऑडिटर एक लॉन्ग टेन्योर तक एक फर्म में एज ए ऑडिटर एसोसिएटेड रहेगा तो उसकी ये एक लॉन्ग एसोसिएशन विद द क्लाइंट लॉन्ग एसोसिएशन विद द क्लाइंट एक रिलेशनशिप बन जाती क्रिएट कर देती है और उस रिलेशनशिप के अंदर ऑडिटर ही बिकम सिंपेथेटिक टूवर्ड्स द क्लाइंट वो क्लाइंट की छोटी छोटी गलतियों को कई बार छोड़ भी देता है तो ये जो एक लॉन्ग एसोसिएशन है विद क्लाइंट इट क्रिएट्स अ थ्रेट कौन सा बिल्कुल सही जवाब दिया सचित जी बाकी बच्चे राइट विभाग साहिल नुपुर अक्षित बिल्कुल सही जवाब दट इज फेमिलियरिटी थ्रेट लॉन्ग एसोसिएशन से एक फेमिलियर रिलेशन बन जाती है अच्छा तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं एक और एक पर्सन एक कंपनी का शेयर होल्डर है शेयर होल्डर उसके पास कंपनी के पचास लाख रुपए के शेयर हैं और वो कंपनी का ऑडिटर है तो यदि कंपनी की कोई गलत इंफॉर्मेशन सामने निकल आए कंपनी की कोई इरेगुलरिटी सामने निकल आए तो कंपनी का शेयर धड़ाम से गिर सकता है मार्केट के अंदर जिससे नुकसान इस ऑडिटर को भी होगा तो ये ऑडिटर अपनी शेयर की प्राइस को बचाने के चक्कर में या कंपनी में कंपनी का कोई डायरेक्टर रिश्तेदार है या कंपनी का कोई मेजर शेयर होल्डर ऑडिटर का रिश्तेदार है तो ये जो रिश्तेदारी है किसकी मेरी और कंपनी के शेयर होल्डर की या मैं खुद ही कंपनी का शेयर होल्डर हूं जिसके कारण मैं इंडिपेंडेंट वर्किंग नहीं कर पाऊंगा यह कौन सा थ्रेट है राइट right, गंभीर बिल्कुल गंभीर आंसर दिया आपने बिल्कुल सही स्टॉक आंसर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बी 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 बिल्कुल सही जवाब है आपका अच्छा अब यदि मैं अपने किसी क्लाइंट को उसके किसी डिस्प्यूट में रिप्रेजेंट करता हूं मेरे क्लाइंट का झगड़ा चल रहा है किसी के साथ तो मैं क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं अब क्लाइंट का झगड़ा है और मैं क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मुझे पता है मेरा क्लाइंट गलत ही है तब भी मैं क्लाइंट के बारे में क्लाइंट को ही फेवर करूंगा एडवोकेट का काम ही यही होता है तो आपको अपने आप यदि ऐसी पोजीशन में रखा कि आपकी ये जो रिलेशनशिप है कि आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सब्सिक्वेंटली आपकी ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करेगी बाद में आपकी डिपेंडेंस को अफेक्ट करेगी दट इज एडवोकेसी थ्रेट एडवोकेसी थ्रेट एडवोकेट का काम ही क्या होता है कि यदि एडवोकेट के क्लाइंट ने मर्डर भी किया है कोर्ट में क्या कहेगा पहले तो ये कोशिश करेगा नहीं 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 मेरे क्लाइंट ने मर्डर नहीं किया चलो ये प्रूव हो गया क्लाइंट ने मर्डर किया फिर क्या कहेगा एडवोकेट सेल्फ डिफेंस में किया ये भी प्रूव हो गया सेल्फ डिफेंस में नहीं हुआ फिर क्या कहेगा कम से कम सजा दो इसका सोशल सर्कल देखिए इसकी सोशल पोजीशन देखिए इसने समाज के लिए क्या किया वो ग्राउंड भी फेल हो गया फिर क्या कहेगा इसके बीवी बच्चों को देखिए इसकी फैमिली को देखिए कम से कम सजा दो एडवोकेट का काम ही यही होता है ना अपने क्लाइंट को डिफेंड करना तो यदि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट इस तरीके से अपने किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी डिस्प्यूटेड मैटर में लिटिगेशन मैटर में तो वो इफेक्टिव वर्किंग नहीं कर पाएगा उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी उसकी ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट होगी लेटर स्टेज पे लास्ट इंटीमिडेशन धमकी देना धमकी किस चीज की गलतियों को रिपोर्ट में लिखा ना तो जो तुम्हारी ऑडिट फीस बढ़ानी थी बढ़ाना तो छोड़ो अगले साल ऑडिट ही नहीं देंगे तुम्हें रिमूव कर देंगे ऑडिटरशिप से हटा देंगे तुम्हें धमकी देना इन सारी चीजों को रोकने के लिए क्या कुछ सेफ होने चाहिए बताओ जरा इनको रोकने के लिए सम सेफ गार्ड टू बी अप्लाई नंबर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप जवाब दीजिएगा सेमिलियरिटी थ्रेट को रोकना है से एक लॉन्ग एसोसिएशन को रोकना है क्लाइंट के साथ तो कंपनी लॉ में इसका एक प्रोविजन डाल दिया गया याद है क्या नाम है उस प्रोविजन का जी बताइए बताइए समकित आचल भार्गव क्या नाम है कंपनी ऑडिट के अंदर एक प्रोविजन है यदि आप लॉन्ग एसोसिएशन को रोकना चाहते हैं तो राइट right पूजा बिल्कुल ठीक रोटेशन ऑफ ऑडिटर का ऑडिटर को रोटेट कर दो और उसका कूलिंग पीरियड लगा दो अच्छा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को रोकना हो तो कि आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए कंपनी लॉ के सेक्शन 141 में प्रोविजन आ गया कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी का ऑफिसर कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता एडवोकेसी थ्रेट को रोकना हो सेक्शन 144 में लिख दिया गया कंपनी का ऑडिटर इन सर्विसेज को रेंडर नहीं कर सकता वो मैनेजमेंट सर्विस नहीं दे सकता इंटीमिडेशन थ्रेट को रोकना हो रिमूवल की धमकी रिमूव कर दोगे तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है क्या रिमूव कर दोगे किसकी अप्रूवल चाहिए रिमूवल करना चाहते हो तो किसकी अप्रूवल चाहिए बताओ जरा सेंट्रल गवर्नमेंट की और कंपनी के मेंबर का कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए बोलो कंपनी के मेंबर से कौन सा रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा एसआर या ओआर सीजी की अप्रूवल चाहिए और कंपनी के मेंबर से एसआर पास करवाना पड़ेगा तो हटा पाओगे ऐसे ही तुम्हारे बाएं हाथ का खेल नहीं है कि जब मनाया तुमने मेरे को हटा दिया ऐसे नहीं हटा पाओगे सो so, नंबर एक चीजों को रिलेट कर पाए हो नंबर एक कुछ प्रिंसिपल्स बैकग्राउंड में काम कर रहे थे उन प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस में कुछ थ्रेट सामने आ रहे थे उन थ्रेट्स को रोकने के लिए लॉ में प्रोविजन आ गए तो देखा, के अंदर जो प्रोविजन बनाए जाते हैं क्या उसके पीछे कोई चीज काम कर रही होती है समझ आई ये बात किस तरीके से लॉ के प्रोविजंस को बनाया गया उसके पीछे क्या क्या चीजें काम कर रही थी आप लॉ पढ़ते हैं बट उसके पीछे क्या इंटेंशन है पीछे क्या बैकग्राउंड है पीछे क्या होमवर्क है पीछे क्या सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है वो तो कई बार पता ही नहीं चलती लेकिन यहां पर क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं रोटेशन का प्रोविजन क्यों आया रिमूवल के लिए सीजी की अप्रूवल क्यों आई और ऑडिटर की डिस्कालिफिकेशन में शेयर होल्डिंग क्यों आई लग रहा है आइडिया क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स में कहा गया पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल कंप्लाई करने हैं और इन प्रिंसिपल में पांच थ्रेट सामने आ रहे हैं और इन थ्रेट को रोकने के लिए सेफगार्ड्स चाहिए थे कुछ सेफगार्ड लॉ ने खुद ही लगा समझे बातों को yes. तो ये मैंने द आइडिया के बारे में थोड़ा सा बताया है चैप्टर 11 पूरा डिटेल में आएगा अभी मैंने आपके साथ थोड़ी सी चर्चा की है उम्मीद करता हूं ये चर्चा समझ में आई होगी ये डिस्कशन क्लियर बाकी डिटेल सारे प्रिंसिपल्स की पांचों प्रिंसिपल्स के पांचों थ्रेट्स के वेरियस सेफ की डिटेल लेटर ऑन करेंगे अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स के अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आपकी नॉलेज में कुछ की वर्ड्स को डालना और मैं उम्मीद कर रहा हूं जैसे आपके आंसर मेरे पास आ रहे हैं कि शायद मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है आप की से अवेयर हो रहे हैं उनके मीनिंग को भी आप समझ पा रहे हैं आपके आंसर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं प्रॉपर आंसर टाइमली आंसर आ रहे हैं चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं फिर नंबर तीन मैं एक चार्ट बनवा रहा हूं आपको पूरा पेज चाहिएगा उसके लिए तो फ्रेश पेज पर इसकी नोटिंग करिएगा टॉपिक नंबर थ्री नोटिंग करिए पहले अभी कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा पहले पूरा चार्ट बना लीजिए एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंड EQCS. दो पार्ट्स में इन्हें डिवाइड करेंगे हम पार्ट ए में स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल दैट इज एस QC parent standard which is applicable to all types of Engagements Number allotted are SQC one two ninety nine SQC issued is एस क्यू सी वन अभी परेशान मत होना इससे कि ये क्या है क्योंकि मैं अभी कुछ समझा ही नहीं रहा मैं सिर्फ आपको पहले एक चार्ट बनवा रहा हूं अभी क्लासिफिकेशन बी एंगेजमेंट standards standards that provides the requirements with respect to various type of Engagements Four types Type A Audit Engagements Type B Review Engagements Type C Other Assurance Engagement and Type D रिलेटेड सर्विसेस चार कैटेगरी ऑडिट रिव्यू अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेस Audit engagements governed by Standards on Auditing, review engagements governed by Standards on Review engagement SRE, other assurance engagements governed by standards on assurance engagements SAE, related services governed by. Standards on Related Services SRS SRS नंबर अलॉटेड 100 से 899, नाइनटी 2000 एस आर ई से टू सिक्स डबल नाइन एस से थ्री सिक्स डबल नाइन एस आर एस फोर थाउजेंड से फोर सिक्स डबल नाइन ये क्या है अभी बताऊंगा मैंने कहा था ना पहले कि अभी नोटिंग कर लो सिर्फ एक बार फिर डिस्कस करूंगा सारी जिंदगी सीए बनने के बाद इन्हीं में ही घूमोगे Applicable while auditing the historical financial information. Applicable. While reviewing the historical financial information, applicable while Examining the prospective financial information or non financial information. एसआरएस एप्लीकेबल वाइल परफॉर्मिंग एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और कंपाइलेशन एंगेजमेंट एक छोटा सा डिफरेंस और Requires Reasonable Assurance Requires Limited Assurance Requires a Reasonable और लिमिटेड एश्योरेंस नो एश्योरेंस चलो टेबल ये चार्ट तैयार कर लो फिर इसकी डिस्कशन स्टार्ट करें हां जी नोटिंग हो जाए तो डन का मैसेज दीजिएगा डन वेरी गुड बड़े फास्ट हो हाँ जी बाकी संकित अमित यतिन विभा तृप्ति दक्ष अच्छा विभा का कहना है ऊपर वाला हिस्सा दिखा दो लो जी ऊपर वाला लो गंभीर का भी मैसेज आ गया डन डन डना डन डन तो चलो जी फिर डिस्कशन स्टार्ट करें आप अकाउंट पढ़ रहे हैं तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर पढ़े होंगे आप लॉ पढ़ रहे थे तो आपने सेक्शंस जरूर पढ़े होंगे आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे थे तो आपने सेक्शंस जरूर पढ़े होंगे तो जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोविजन काम कर रहा होता है कहीं ना कहीं से ये रिक्वायरमेंट्स आ रही होती है तो जब आप ऑडिट को पढ़ेंगे या आप ऑडिट के साथ किसी और सिमिलर टाइप की एंगेजमेंट को करते हैं देन हमारे जो ऑडिट एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं इनके लिए जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड है अकाउंट्स के लिए इन सिमिलर मैनर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इशूड है ये जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है ना ये पांच स्टैंडर्ड का ग्रुप है जिसमें से एक ग्रुप आपने पढ़ना है कौन सा ग्रुप पढ़ना है आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का नौ no. अब चार तरह की एंगेजमेंट है और मेरे पास एक वर्ड है दैट इज एश्योरेंस तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है एश्योरेंस क्या होता है नॉन एश्योरेंस क्या होता है एक चीज नंबर दो मुझे एक्सप्लेन करना है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है नंबर तीन मुझे एक्सप्लेन करना है ये नंबर कैसे क्लासिफाइड है नंबर चार मुझे आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज ऑडिट व्हाट इज रिव्यू व्हाट इज अदर एश्योरेंस एंड व्हाट आर द रिलेटेड सर्विसेज आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल जिसके लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए और आज हमारे पास इतना समय नहीं है तो इसकी डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आज मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको ये चार्ट बनवाना और इस चार्ट के साथ हम अपने नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर को जो मंडे को होगा सेम टाइम पर उसमें इस चार्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे तो आज हमने बेसिकली इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा इस सब्जेक्ट की इस सीए के कोर्स में क्या इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ा क्या क्या बुक्स आपको रेफर करनी है उसकी डिस्कशन की पेपर पैटर्न कैसे होता है उसकी चर्चा की और जो स्टैंडर्ड इस पूरे सिलेबस में इंटर में फाइनल में और सीए की प्रैक्टिस में आगे जाकर यूज होंगे वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स का मैंने आपको एक चार्ट बनवाया है सो so, जिस तरह से हमने आज नोटिंग की है उसी तरह से हमारी सारी क्लासेस के अंदर प्रॉपर नोटिंग होगी सो so दैट आपकी रिटर्न प्रैक्टिस क्लास के दौरान ही डिस्कशन के साथ साथ हो सके, राइट आई बिलीव चीजें समझ में आई होंगी इस सब्जेक्ट के बारे में आइडिया लगा होगा और सब्जेक्ट अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को थ्योरी की तरह मत मानकर चलिएगा इट इज नॉट अ प्योर थ्योरी Rather, it is a practical subject which involves application of accounts, law. यो आ गई नो वॉइस वॉइस आ गई अब तो माइक भी कहने लगा कि बस टाइम हो गया है ओवर आप नहीं क्लास बंद कर रहे हैं, तो हम बंद हो जाते हैं तो बैटरी डेड हो गई तो चलो मंडे की क्लास की तैयारी हो गई है बैटरी डल गई है मंडे को कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के साथ आज के लिए इतना ही होमवर्क कुछ नहीं है मंडे को भी कोई होमवर्क नहीं दूंगा ट्यूसडे से चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे तब होमवर्क होगा ठीक है थैंक यू वेरी मच गुड बाय